नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए सेकंड ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है एथिक्स नीति शास्त्र। और आज हम बात करेंगे कांच के कर्तव्य के लिए कर्तव्य के सिद्धांत की। एथिक्स से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में हमने कांच को प्रारंभ किया था और वहां मैंने स्पष्ट किया था कि कांच के मतानुसार केवल कर्तव्य की चेतना के द्वारा प्रेरित संकल्प ही नैतिक या शुभ संकल्प है। इससे स्पष्ट है कि शुभ संकल्प का कर्तव्य के साथ अनिवार्य संबंध है। कांच का विचार है कि मनुष्य सदैव शुभ संकल्प के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी भावनाएं, प्रवृत्तियां और इच्छाएं इसमें बाधक सिद्ध होती हैं। इन प्रवृत्तियों, भावनाओं, इच्छाओं के कारण ही उसके आचरण में शुभ संकल्प की अभिव्यक्ति स्वतः नहीं हो पाती, बल्कि इसका आधार कर्तव्य की चेतना होती है। कर्तव्य की चेतना में सभी प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का या फिर बाध्यता का जो तत्व है वो निहित रहता है। कांट का कथन है कि यदि मनुष्य पूरी तरह से बौद्धिक प्राणी होता और उसकी इच्छाएं, भावनाएं और प्रवृत्तियां उसके शुभ संकल्प की अभिव्यक्ति में बाधा नहीं डालती, तो उसके लिए कर्तव्य और उसकी बाध्यता की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे प्राणी का संकल्प तो पूर्ण रूपेण शुभ होता और वो प्रयास किए बिना ही सदैव शुभ कर्म करता। इस प्रकार के पूर्णतः बौद्धिक प्राणी के संकल्प को कांच ने पवित्र संकल्प की संज्ञा दी है। शुभ संकल्प के विपरीत इस पवित्र संकल्प को किसी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता, अतः शुभ कर्मों में इसकी स्वतः अभिव्यक्ति होती है। परंतु कांट का विचार है कि ऐसा पवित्र संकल्प तो केवल ईश्वर में ही हो सकता है, मनुष्य में नहीं। भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों से प्रभावित होने के कारण मनुष्य पूर्णतः बौद्धिक प्राणी नहीं है, अतः उसमें पवित्र संकल्प के स्थान पर केवल शुभ संकल्प ही हो सकता है। मनुष्य का स्वभाव भी कुछ ऐसा है कि उसके फलस्वरूप शुभ संकल्प की स्वतः शुभ कर्मों में अभिव्यक्ति नहीं होती और उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिन पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य में कर्तव्य की चेतना का होना अनिवार्य है। इस प्रकार कांट के विचार में केवल अंशतः बौद्धिक प्राणी होने के कारण मनुष्य कर्तव्य की चेतना के द्वारा बाध्य होकर शुभ संकल्प के अनुरूप कर्म करता है। तो यहाँ स्वभाव से यह प्रश्न उठता है कि कर्तव्य से कांट का अभिप्राय क्या है। ये ठीक है कि उन्होंने कहा कि कर्तव्य में एक प्रकार की अनिवार्यता या बाध्यता पाई जाती है, जिसके कारण मनुष्य इच्छा न होते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित होता है, और मुख्यतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कांट ने कर्तव्य की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि नैतिक नियम के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर इसी नियम के अनुरूप कर्म करने की जो अनिवार्यता है वही कर्तव्य है। इस प्रकार कांट के विचार में कर्तव्य की चेतना ही मनुष्य को ऐसा कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो उसकी स्वाभाविक इच्छा या प्रवृत्ति के विरुद्ध होते हुए भी उसका कर्तव्य है। इसी कारण उन्होंने मनुष्य की कर्तव्य चेतना को ही संपूर्ण नैतिकता का एकमात्र मूल आधार माना है। उनका निश्चित मत है कि मनुष्य के केवल उसी कर्म का नैतिक मूल्य है जो उसकी इस कर्तव्य चेतना के द्वारा निर्धारित होता है। अपने इस मत को स्पष्ट करने के लिए कांट ने मानवीय कर्मों को तीन वर्गों में विभाजित किया। पहला तो वो जो तात्कालिक संवेग, इच्छा या प्रवृत्ति के द्वारा प्रेरित कर्म है। दूसरा अपने हित या कल्याण के लिए सोच समझकर किए जाने वाले कर्म है। तीसरा केवल अपने कर्तव्य का पालन करने की चेतना से प्रेरित कर्म। और कांट के मतानुसार इनमें से केवल तीसरे प्रकार के कर्म, यानी कि केवल अपने कर्तव्य का पालन करने की चेतना से प्रेरित कर्म ही वास्तव में शुभ है, अर्थात इन्हीं कर्मों का नैतिक मूल्य है। जो कर्म मनुष्य किसी तात्कालिक संवेग, इच्छा, प्रवृत्ति या अपने कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर करता है, उनका नैतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। कांट ने अपने इस मत को अनेक उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट भी किया। जैसे वे कहते हैं, यदि कोई व्यापारी अपने सभी ग्राहकों से केवल इसलिए उचित दाम लेता है कि इससे उसके व्यापार में वृद्धि हो, तो उसका ये कर्म कर्तव्य के अनुरूप होते हुए भी नैतिक दृष्टि से शुभ नहीं है। अर्थात उसके इस कर्म का कोई नैतिक मूल्य नहीं है, क्योंकि ये केवल उसके अपने लाभ के उद्देश्य से प्रेरित है। एक और बात, प्राय सभी दार्शनिक और सामान्य व्यक्ति ये स्वीकार करते हैं कि क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिशोध आदि विध्वंसात्मक संवेगों से प्रेरित कर्म
केवल अनैतिक ही नहीं बल्कि कर्ता के आनंद और कल्याण के लिए भी जो घातक है। कांट भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन उनका मत है कि दया, सहानुभूति, उदारता आदि रचनात्मक संवेगों के द्वारा प्रेरित कर्मों का भी वास्तव में कोई नैतिक मूल्य नहीं है। वे ये मानते हैं कि इन रचनात्मक संवेगों के द्वारा प्रेरित कर्म निश्चय ही प्रशंसनीय है, लेकिन उनका विचार है कि मूलतः संवेगात्मक है। ये जो कर्म है ये है तो मूलतः संवेगात्मक ही, और इस कारण ये कर्म भी नैतिक दृष्टि से शुभ नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति केवल दया या सहानुभूति से प्रेरित होकर किसी दुखी प्राणी की सहायता करता है तो कांट के मतानुसार उसका ये कर्म प्रशंसनीय अवश्य है, उसकी प्रशंसा की जा सकती है, किंतु उसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। यदि वो केवल कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर पीड़ित प्राणी की सहायता करता तो कांच के विचार में उसका यह कर्म निश्चित ही नैतिक दृष्टि से शुभ होता। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठाया जा सकता है कि यदि मनुष्य का कोई कर्म कर्तव्य पालन की चेतना के साथ साथ दया, सहानुभूति, उदारता आदि संवेगों से भी प्रेरित होता तो क्या वह कांच के मतानुसार नैतिक दृष्टि से शुभ होगा? तो इस प्रश्न के उत्तर में कांच कहते हैं कि यदि वो कर्म केवल कर्तव्य पालन की चेतना के द्वारा ही निर्धारित हुआ है तो इसके साथ अन्य संवेगों के होते हुए भी उसका नैतिक मूल्य कम नहीं होता। दरअसल जो कांच है वो मनुष्य के जीवन में दया, सहानुभूति, उदारता आदि संवेगों के महत्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके विचार में ये संवेग हमारे कर्तव्य पालन में सहायक हो सकते हैं, परंतु केवल इन्हीं संवेगों के द्वारा प्रेरित कर्म प्रशंसनीय होते हुए भी उनके मतानुसार नैतिक दृष्टि से शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मूल में कर्तव्य पालन करने की चेतना का अभाव है, जो वास्तव में नैतिकता का एकमात्र मूल आधार है। यहाँ ये स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि किसी कर्म के नैतिक मूल्य की दृष्टि से कांट उसके परिणामों को कोई महत्व नहीं देते। परिणाम मूलक नैतिक सिद्धांतों के जितने भी परिणाम मूलक नैतिक सिद्धांत हुए उनके सभी समर्थकों के विरुद्ध उनका कथन है कि इच्छित या वास्तविक परिणामों के आधार पर किसी कर्म का नैतिक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि परिणामों के आधार पर ही आप कर्मों का मूल्यांकन करेंगे तो किसी कर्म को जो हमारा कर्तव्य है उसे करने के आदेश का रूप क्या होगा? उसका रूप ये होगा कि यदि अमुक परिणाम हो तो इसे करो। दूसरे शब्दों में ये जो आदेश है वो सापेक्ष होगा, और इस प्रकार नैतिक आदेश की जो निरपेक्षता है वो समाप्त हो जाएगी। इसी कारण कांट का विचार है कि किसी कर्म का नैतिक मूल्य केवल उसके मूल में निहित कर्तव्य पालन करने की चेतना पर ही निर्भर है, उस कर्म से उत्पन्न होने वाले परिणामों या इन परिणामों को उत्पन्न करने की इच्छा पर नहीं। यही कारण है कि जितने भी परिणाम मूलक सिद्धांत हुए, स्वार्थवाद, सुखवाद, उपयोगितावाद आदि, उन सबका ये खंडन करते हैं। कांट का विचार है कि हमें कर्मों के परिणामों की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य का पालन करने के विचार से प्रेरित होकर ही अपने समस्त कर्म करने चाहिए। इसका कारण यह है कि कांट के मतानुसार मनुष्य की कर्तव्य चेतना ही वास्तव में संपूर्ण नैतिकता का मूल आधार है। अब यहाँ ये उल्लेखनीय है कि बहुत ही प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद् गीता में लगभग इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन जब बांधवजनों के मोह के फलस्वरूप अपने कर्तव्य को भूल गया तो उसे स्वकर्तव्य का ज्ञान कराते हुए श्री कृष्ण ने यही कहा था कि तुम्हें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म पर ही तेरा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। जिसे गीता में निष्काम कर्म का सिद्धांत भी कहा गया है। गीता के उस सिद्धांत और जो कांट का कर्तव्य संबंधी सिद्धांत है उसमें बहुत समानता है। गीता की भांति कांट का भी यही मत है कि मनुष्य को कर्मों के परिणामों की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य पालन के विचार से प्रेरित कर्म का ही नैतिक मूल्य है। दूसरे शब्दों में कांट के मतानुसार जब मनुष्य केवल कर्तव्य के लिए अपने कर्तव्य का पालन करता है तो इससे किसी भी अन्य उद्देश्य की पूर्ति की इच्छा नहीं करता है, तभी उसका कर्म वास्तव में नैतिक दृष्टि से शुभ माना जा सकता है। यहाँ एक और विचारणीय प्रश्न ये है कि कांट का ये जो कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधी सिद्धांत है इसमें आनंद का क्या स्थान है? क्योंकि कांट के विरुद्ध प्राय ये कहा जाता है कि वह मनुष्य के जीवन में आनंद की पूर्णतः उपेक्षा करते हैं, लेकिन वास्तव में ये मत अनुचित है। कांट के मतानुसार पूर्ण शुभ में शुभ संकल्प के साथ साथ आनंद का भी समावेश होता है। यही नहीं, कर्तव्य का पालन करने में भी वे आनंद के महत्व को स्वीकार करते हैं। आनंद प्राप्त करना उन्होंने मनुष्य का परोक्ष या अप्रत्यक्ष कर्तव्य भी माना है।
वे कहते हैं कि अपने लिए आनंद प्राप्त करना मनुष्य का अप्रत्यक्ष कर्तव्य है, क्योंकि अपनी स्थिति के प्रति अत्यधिक असंतोष और इच्छाओं की अतृप्ति के कारण वह अपने कर्तव्य का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित हो सकता है। इससे पूर्णतः स्पष्ट है कि कांट मानव जीवन में आनंद की उपेक्षा नहीं करते, जैसा कि कुछ आलोचकों का विचार है। हाँ, ये जरूर है कि कांट मनुष्य के जीवन में आनंद के महत्व को तभी तक स्वीकार करते हैं जब तक वह उसके कर्तव्य पालन में बाधक सिद्ध नहीं होता। और अंत में हम जरा कांट के द्वारा कर्तव्यों का जो वर्गीकरण किया गया है उस पर भी नजर डाल लें। उन्होंने मनुष्य के समस्त कर्तव्यों को सबसे पहले दो वर्गों में विभाजित किया है, एक तो है पूर्णबंदी कर्तव्य और दूसरे है अपूर्णबंदी कर्तव्य। कांट के मतानुसार पूर्णबंदी कर्तव्य तो वे हैं जिनका प्रत्येक मनुष्य के लिए सभी परिस्थितियों में पालन करना आवश्यक है, यानी कि जिनका किसी भी परिस्थिति में कोई अपवाद या एक्सेप्शन संभव नहीं है। जैसे ऋण चुकाना पूर्णबंदी कर्तव्य है जिसका सदैव पालन करना आवश्यक है। इन पूर्णबंदी कर्तव्यों के संबंध में मनुष्य को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। कांट के मतानुसार हमें प्रत्येक परिस्थिति में पूर्णबंदी कर्तव्यों का अवश्य पालन करना चाहिए। इन कर्तव्यों के विपरीत अपूर्णबंदी कर्तव्य वे हैं जिनके संबंध में मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का अधिकतम विकास करना और संकटग्रस्त मनुष्यों की यथासंभव सहायता करना ऐसे ही कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का पालन करते समय प्रत्येक व्यक्ति ये निर्णय कर सकता है कि वह किन परिस्थितियों में क्या करे। उदाहरण के लिए वो ये निर्णय कर सकता है कि उसे अपनी किन शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का अधिकतम विकास करना चाहिए। इसी प्रकार अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह ये भी निर्णय कर सकता है कि उसे अनेक संकटग्रस्त व्यक्तियों में से किसकी और कितनी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार अपूर्णबंदी कर्तव्य उतने स्पष्ट और निश्चित नहीं है जितने पूर्णबंदी कर्तव्य, लेकिन कांच के मतानुसार पूर्णबंदी कर्तव्यों की भांति ही अपूर्णबंदी कर्तव्यों का पालन करना भी आवश्यक है। धन्यवाद।